नमस्कार दोस्तों, आज हम इंट्राडे की मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी में से एक जैकपॉट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी, जो कि बिल्कुल सिंपल है और 99% एक्यूरेट है, जिसको मैं यूज में लेकर डेली का 10-15 हजार रूपए का प्रॉफिट इजीली कमा लेता हूँ। और आई एम श्योर आप भी इस स्ट्रेटजी को यूज में लेकर अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। रिसेंटली मैंने इस स्ट्रेटजी को यूज में लेकर टोटल 4 ट्रेड लिए थे। इन सारे ट्रेड्स को मैं आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ में मेरी एक सीक्रेट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जिससे मैं एक दिन पहले ही इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ऐसे स्टॉक्स को ओनली 1 मिनट में ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, इसमें मैं आपको इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बुलिश और बेरिश के ट्रेड कैसे लेते हैं, शेयर को कहां पर बाय और कहां पर सेल करना है, कहां पर हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब कुछ लाइव डेमो के साथ प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ कुछ प्रो टिप्स और सीक्रेट्स भी बताऊंगा, जिससे आप ट्रेडिंग में मास्टर बन जाएंगे। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू फोकस करके जरूर देखना, इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दिस इज वीरेन जैन, लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहले बोलिंजर बैंड क्या होता है यह समझ लेते हैं। बोलिंजर बैंड एक प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस टूल है, जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। इसके मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मिडिल बैंड जो कि 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, अपर बैंड और लोअर बैंड जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम ओनली RSI इंडिकेटर की हेल्प लेंगे। वैसे यदि आप सारे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर और शॉर्ट सेलिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा, आप जरूर देख कर अच्छे से सीख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 22 अगस्त की रात को ही मैंने नेक्स्ट डे इंट्राडे के लिए अपनी सीक्रेट ट्रिक से ओनली 1 मिनट में ही ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स को सिलेक्ट किया, जिनमें से ओवरबॉट स्टॉक्स आपके सामने हैं। पहले इनको चार्ट पर समझ लेते हैं, और इन स्टॉक्स में मैंने कौन से पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाकर कैसे इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई वो भी जान लेते हैं। उसके बाद ओवरसोल्ड स्टॉक्स की पोजीशन जानेंगे। ये सारे स्टॉक्स मैंने निफ्टी 500 से सर्च करके अपने फिल्टर के अकॉर्डिंग निकाले हैं। अब आप कहोगे कि वो सीक्रेट ट्रिक हमें भी बताओ, तो टेंशन मत लो, वो सीक्रेट ट्रिक मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, जिसको यूज में लेकर आप भी इंट्राडे में डेली के शानदार प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स अपर बोलिंजर बैंड के पास खड़े हैं, मतलब कि ओवरबॉट हो चुके हैं, यानी यहाँ से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जिसके कारण स्टॉक्स नीचे गिर सकते हैं, बेयरिश हो सकते हैं। इनमें से मैंने 2 स्टॉक्स को नेक्स्ट डे इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग के लिए सिलेक्ट किया, पहला ट्रेंट और दूसरा बलरामपुर चीनी। याद रखना दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में इंट्राडे में टोटल 3 पोजीशन ही बनानी है, इससे ज्यादा पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनानी। फिर एक्सपीरियंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तब आप अपनी इंट्राडे की पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पर अपना स्टॉक मार्केट का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों आप थोड़ा फोकस देना, सबसे पहले ट्रेंड के स्टॉक को चार्ट पर समझते हैं, उसके बाद बलरामपुर चीनी की पोजीशन समझेंगे। पहले हम FX बटन पर क्लिक करके बोलिंजर बैंड और RSI इंडिकेटर को सर्च करके लगा देंगे। बोलिंजर बैंड और RSI इंडिकेटर की जोड़ी बिल्कुल वैसे ही है जैसे चाय और बिस्किट की जोड़ी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं नॉर्मली इंट्राडे के लिए 5 मिनट का चार्ट यूज में लेता हूं, इसलिए 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे। 22 अगस्त की रात को ट्रेंड का स्टॉक इस पोजीशन में अपने अपर बोलिंजर बैंड के पास खड़ा था। यह अपर बोलिंजर बैंड, यह लोअर बोलिंजर बैंड और यह मिडिल बोलिंजर बैंड की लाइन है। उस समय स्टॉक का RSI 83 के आसपास चल रहा था, मतलब स्टॉक अपने ओवरबॉट जोन में खड़ा था, कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता था, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट हो सकती थी। अब यहाँ पर हमारे लिए नेक्स्ट डे इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जिसको हमें छोड़ना नहीं है। मैंने यहाँ हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली। याद रखना दोस्तों, स्टार्टिंग में जब RSI 80 के ऊपर हो तभी आपको इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनानी है, वरना पोजीशन नहीं बनाने। यहाँ से 1% ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था और 2% नीचे मैंने अपना टारगेट रखा, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मैंने फॉलो किया। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब 23 अगस्त का चार्ट देखते हैं। ट्रेंड का स्टॉक यहाँ पर ओपन होता है और यहीं पर मेरी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बन जाती है। फिर स्टॉक कंटिन्यू नीचे गिरता जाता है और हमारा प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता जाता है।
कुछ देर में RSI भी 40 के आसपास आ गया है और मेरा टारगेट भी हिट हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने अपनी पहली इंट्राडे की पोजीशन से स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट सेलिंग करके शानदार प्रॉफिट्स कमाया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मिनिमम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में चारों तरफ शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी इस स्ट्रेटजी को अच्छे से सीख सके और शानदार प्रॉफिट्स कमा सके। अब हम मेरी दूसरी इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन जो मैंने बलरामपुर चीनी में उस दिन बनाई थी उसको चार्ट पर एनालाइज करते हैं। वैसे टोटल मैंने उस दिन इंट्राडे में 2 शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन और 2 बाय की पोजीशन बनाई और इसमें आपको एक जबरदस्त लर्निंग लेसन भी सीखने को मिलेगा जो कि हम आगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरे साथ कंटिन्यू चलते रहना। पहले हम बलरामपुर चीनी की पोजीशन समझ लेते हैं। 22 अगस्त की रात को बलरामपुर चीनी का स्टॉक इस पोजीशन में अपने अपर बुलिंजर बैंड के पास खड़ा था। उस समय स्टॉक का RSI 83 के आसपास चल रहा था, मतलब स्टॉक बिल्कुल ओवरबोर्ड जोन में खड़ा था। मैंने यहाँ हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हुए शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना डाली। अब नेक्स्ट डे 23 अगस्त को बलरामपुर चीनी का स्टॉक यहाँ पर ओपन होता है और यहीं पर मेरी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बन जाती है। फिर स्टॉक नीचे गिरने लगता है और RSI भी 40 के आसपास आ जाता है और साथ में मेरा टारगेट भी हिट हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने अपनी दूसरी इंट्राडे की पोजीशन से भी शानदार प्रॉफिट्स कमाया। दोस्तों अगर आपको वीडियो में हमारी टीम की मेहनत नजर आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन डबल हो जाता है और कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। अब हम इंट्राडे में मेरी उस दिन की 2 बाय की पोजीशन जो मैंने बनाई थी उसको समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 22 अगस्त की रात को मेरी एक सीक्रेट ट्रिक से ओनली 1 मिनट में ही इंट्राडे के लिए ओवरसोल्ड स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। टेंशन मतलब वो सीक्रेट ट्रिक मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, इसलिए मेरे साथ चलते रहो। वो ओवरसोल्ड स्टॉक्स आपके सामने हैं, पहले इनको चार्ट पर समझ लेते हैं और इन स्टॉक्स में मैंने कौन से पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाकर कैसे इंट्राडे में बाय करके बुलिश की पोजीशन बनाई वो भी जान लेते हैं। मैंने इनमें से 2 स्टॉक्स को नेक्स्ट डे इंट्राडे में बाय करने के लिए सिलेक्ट किया। फर्स्ट डिलीवरी लिमिटेड और सेकंड एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट। दोस्तों अब थोड़ा फोकस देना, सबसे पहले डिलीवरी के स्टॉक को चार्ट पर समझते हैं उसके बाद डीमार्ट की पोजीशन समझेंगे। 22 अगस्त की रात को डिलीवरी का स्टॉक इस पोजीशन में अपने लोअर बुलिंजर बैंड के पास खड़ा था। उस समय स्टॉक का RSI 16 के आसपास चल रहा था, मतलब स्टॉक अपने ओवरसोल्ड जोन में खड़ा था। कभी भी स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हो सकती थी जिसके कारण स्टॉक में तेजी आ सकती थी। अब यहाँ पर हमारे लिए नेक्स्ट डे इंट्राडे में बाय करने की मस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। मैंने यहाँ लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर AMO ऑर्डर से एक दिन पहले ही स्टॉक को बाय करने का ऑर्डर लगा दिया। याद रखना दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक को बाय तभी करना है जब स्टॉक का RSI उस समय 20 के नीचे चल रहा हो, वरना स्टॉक को नहीं खरीदना है। अब यहाँ से 1% नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया और 2% ऊपर मैंने अपना टारगेट रखा, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो मैंने फॉलो किया। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब नेक्स्ट डे 23 अगस्त को डिलीवरी का स्टॉक यहाँ पर ओपन होता है और यहीं पर मेरी बाय की पोजीशन बन जाती है। फिर स्टॉक में तेजी आने लगती है और RSI भी 70 के आसपास आ जाता है और कुछ देर में मेरा टारगेट भी हिट हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने अपनी तीसरी इंट्राडे की पोजीशन से भी शानदार प्रॉफिट्स कमाया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना या अपने फैमिली में से किसी का भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाना हो तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके कुछ ही मिनटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अब हम मेरी नेक्स्ट इंट्राडे में बाय की पोजीशन समझ लेते हैं जो मैंने उस दिन डीमार्ट में बनाई थी। 22 अगस्त की रात को डीमार्ट का स्टॉक इस पोजीशन में अपने लोअर बुलिंजर बैंड के पास खड़ा था। उस समय स्टॉक का RSI 11 के आसपास चल रहा था, मतलब स्टॉक बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में था। मैंने यहाँ लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हुए बाय की पोजीशन बना डाली। अब नेक्स्ट डे 23 अगस्त को डीमार्ट का स्टॉक यहाँ पर ओपन होता है और यहीं पर मेरी बाय की पोजीशन बन जाती है, लेकिन इस बार मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हालांकि स्टॉक बाद में ऊपर भाग जाता है। चलो कोई बात नहीं, इस पोजीशन से हमें यह लर्निंग लेसन सीखने को मिला कि ट्रेडिंग में कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होगा, हमेशा हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने रिस्क को मैनेज करके हमेशा मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करके ही ट्रेडिंग करना है। मैंने इंट्राडे में उस दिन टोटल 4 पोजीशन बनाई जिसमें से 1 पोजीशन में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यानी कि 1 पोजीशन में मुझे लॉस मिला और 3 पोजीशन में मैंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन फिर भी
ही मैंने ओवरऑल शानदार प्रॉफिट्स कमाया। अब मैं आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक को ओनली एक मिनट में सिलेक्ट करने की मेरी वो सीक्रेट ट्रिक बता देता हूँ, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। मैंने इसके लिए चार्टिंग वेबसाइट पर अपने अकॉर्डिंग दो स्क्रीनर बना रखे हैं, जो कि मुझे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स ओनली एक मिनट में ही निकाल कर दे देते हैं। इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। वैसे हमने इंट्राडे की बहुत सारी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के ऊपर काफी वीडियोस बना रखे हैं, आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके इजीली वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।